हेलो गाइज, मैं अंगूर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं ZTech इंडिया लिमिटेड IPO के बारे में, जो कि 31st यानी कल के दिन क्लोज होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो आप आज देख रहे हो यानी कि 30 मई को या 31st को, आप पे काम की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस IPO का जो बिजनेस है, जो फाइनेंशियल डेटा है वो, और जो सब्सक्रिप्शन डेटा है वो क्या इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग होनी है 4th जून को और लिस्टिंग सुबह 10 बजे ही हो जाती है, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट का जो इंपैक्ट होगा मार्केट में, क्या ऐसी कंडीशन में ये सेफ रहने वाला है नहीं, हम डिटेल में करेंगे चर्चा। डिटेल रिव्यू भी रहने वाला है ZTech इंडिया लिमिटेड IPO का आपके लिए, साथ में आपको लेटेस्ट जो इसका लास्ट क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है और ग्रे मार्केट प्रेम भी साझा करने वाला हूं। आपको करनी है दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और दूसरा अगर जब चैनल पे पहली बार आए तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको ऐसी बेहतर अपडेट्स हमारी तरफ से हमेशा मिलती रहे। तो चलिए इसकी डिटेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेट से गाइस, IPO 31st क्लोज हो जाने वाला है, 3rd जून को इसकी अलॉटमेंट डेट और 4th जून को इसकी लिस्टिंग डेट होगी। ठीक है, और 4th जून को ही रिजल्ट भी आना है इलेक्शन का, इस बात का आई होप आपको ध्यान हो। इशू का जो प्राइस है वो 110 का है। इशू के साइज की बात करें तो 37.30 करोड़ का है, यानी कि साइज बहुत बड़ा नहीं है, SME के हिसाब से ठीक है। ये NSE SME पे लिस्ट होगा और इस कंपनी के लीड मैनेजर्स है नन्नौलिया फाइनेंशियल्स और रजिस्ट्रार है माशीतला सिक्योरिटी। एंड गाइस, रिटेलर्स के लिए 35% कोटा इसमें रखा गया, यानी QIBs भी इसमें पैसा डाल रहे हैं। बात करें इसके बिजनेस की तो गाइस 1994 से कंपनी बिजनेस करती हुई दिख रही है। ठीक है, कंपनी डिजाइन करती है सिविल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का और प्रोवाइड करवाती है स्टेट ऑफ आर्ट स्पेशलिटी जियो टेक्निकल सॉल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया में। इसके साथ ही गाइस कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में भी एक्टिव है, इसमें भी बिजनेस करती है और इसका जो फोकस है वो स्क्रैप मटेरियल से थीम पार्क बनाने का है। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर जो है वो बहुत ही बढ़िया सेक्टर है, फ्यूचर में आपको इसका जो बिजनेस है ये काफी अच्छा ग्रोथ देने वाला बिजनेस है। और करंट में जब भी वेस्ट मैनेजमेंट वाला IPO आता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, तो मार्केट हमेशा उसको पॉजिटिव ही साइन देता है, पॉजिटिव रिएक्शन ही देता है। तो यहाँ पे जो बिजनेस है वो बढ़िया है, इस बिजनेस को मैं यही बोलूंगा कि थम्स अप है भाई, इस बिजनेस में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें फ्यूचर में भी देखने को मिल सकती है, बट फिलहाल ये SME कैटेगरी है तो उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे बिजनेस अच्छा है। ठीक है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात रहेगा इस, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, यहाँ पे 21, 22, 23 का डेटा है पूरा और 24 का भी पूरा डेटा है 31 मार्च तक का। एसेट की बात करें तो एसेट में हमें अच्छी खासी जंप देने को मिल रही है, ये जो वैल्यू है सारी वो लैक्स में, आपको ध्यान देना इस बात का। और बात करें इस रिवेन्यू की तो रिवेन्यू में हमें 21-22 में काफी शानदार जंप देने को मिली है और उसके बाद 23 में डाउन होता दिखा है, बट 24 में काफी अच्छा ग्रोथ इसने दिखाया है और ऑलमोस्ट आप देखोगे 2022 से कंपैरिजन में तो डबल से ज्यादा हो गया और यहां से तो काफी ज्यादा। ठीक है, पैट की बात करते हैं तो पैट भी काफी अच्छा है, 64 लाख का था, फिर 8 लाख का हुआ यानी कम हुआ, उसके बाद फिर 196 लाख का और अभी 779 लाख का है, यानी कि बहुत ही शानदार प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है 2022 के बाद से। 21-22 में थोड़ा सा डाउन था, तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, जो रिवेन्यू है वो डेटा बेहतर है। नेटवर्क भी करीब 2191 लाख का, रिजर्व सरप्लस 1250 लाख का और जो बोरिंग है 130.84 लाख का, तो नेटवर्क और रिजर्व सरप्लस अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल जो सिनेरियो है फाइनेंशियल डेटा का बढ़िया है, कोई भी शिकायत नहीं है। ठीक है, और मैं इसको बोलूंगा काफी बेहतर है साइज के हिसाब से और कंपनी के ओवरऑल बिजनेस और सारी चीजों अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे बोरिंग 130 लाख की है लेकिन कंपनी कैपेबल है इसको चुकाने में, बिकॉज काफी अच्छा खासा प्रॉफिट ये करके दिखा रही है। ठीक है, तो बोरोइंग को बहुत ज्यादा इशू लेके हम नहीं चलने वाले हैं। ठीक है, अब यहां तक हमने डेटा देख लिया, इसके आगे सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा, बट आपको ये सारा डेटा याद रखना है। अब आपको बता दूं कि अगर जो आपको भी अपने फाइनेंशियल सही करने हैं तो आपको गाइस इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना चाहिए, जहां पे देख सकते हो शानदार गेन वाले बढ़िया लेवल मिल जाते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के, उसके साथ ही गाइस आपको स्टॉक्स के लेवल मिल जाते हैं, स्विंग लेवल मिल जाते हैं, शॉर्ट टर्म लेवल मिल जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैनल का लिंक नंबर 1 पे मिल जाने वाला है, नंबर 2 पे न्यूज चैनल का और नंबर 3 पे इंस्टाग्राम का, फटाफट ज्वाइन कर लो, काफी काम का है आपके। तो आगे बढ़ते गाइस और बात करते हैं ZTech इंडिया के बारे में। तो हमने फाइनेंशियल डेटा इसका देख लिया था, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स देख लेते हैं और फिर पीयर कंपैरिजन भी कर लेंगे। जो ROE ROC है वो काफी बेहतर है, 34 और 44 का। डेट टू डी रेशियो बहुत ही कम है, 0.06 का, मतलब इसको इग्नोर किया जा सकता है। RNW पॉजिटिव है 34 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.52 का है और
फैट मार्जिन 10 से ज्यादा है यानी कि बहुत ही बेहतर है 12 का है, ठीक है। अगर जो 7-8 के आसपास फैट मार्जिन होता है तो हम उसको पॉजिटिव लेके ही चलते हैं। यहाँ पे इस बात करें पी की 13.27 निकलता दिख रहा है, अगर जो पीयर कंपैरिजन करेंगे तो आप देखोगे इनके दूसरे जितने भी पीयर हैं उनसे काफी सस्ती है ये कंपनी जिसका आईपीओ आया, ठीक है। इसके आसपास का मैं देखूं तो एचजी इंफ्रा 32 के पी पे है, ठीक है, और जो आईपीओ आया है ये 13.27 के पी पे आया है। तो कहीं ना कहीं आईपीओ जो है जेड टेक वो बढ़िया प्राइस बैंड पे आया है, ठीक है। ओवरऑल सिनेरियो अगर जो हम देखें तो प्राइस बैंड अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, बिजनेस फ्यूचर में ग्रोथ भी करने वाला है, आरओसी आरओई बढ़िया है, पैट मार्जिन बढ़िया है, ठीक है, उसके साथ ही प्राइस बैंड भी जेन्युइन लेके आया है। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस फाइनली हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए ये जानने के पहले आपको मैं सब्सक्रिप्शन डेटा दिखाना चाहूंगा। जो सब्सक्रिप्शन डेटा है वो अराउंड 53.61 टाइम हुआ है, क्यूआईबी ने 7.94 टाइम, एचएनआई ने 50.55 टाइम, रिटेल्स ने 18.96 टाइम कर दिया है, ठीक है। तो साइज के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा साइज नहीं है, ठीक है, अभी भी सब्सक्रिप्शन डेटा वाइज मुझे सेफ नहीं लग रहा है, अदरवाइज आईपीओ ठीक है। अब रिजल्ट आना है तो रिजल्ट आने का इतना इंपैक्ट पड़ सकता है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत गेन ऊपर नीचे हो, मार्केट अगर जो पॉजिटिव रहता है उस दिन तो हो सकता है कि गेन बहुत बेहतर हो जाए, लेकिन अगर जो मार्केट नेगेटिव रहता है, क्रैश जैसी सिचुएशन नहीं बनती है, तो कुछ ना कुछ गेन देके जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं यही बोलूंगा कि अगर जो आईपीओ में एटलीस्ट 8-9,000 करोड़ रुपीज डल जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत रहने, क्योंकि सेम साइज के आईपीओ में रिसेंटली आपने बेकन देखा और एक दो और आप पुराने आईपीओ उठा के देख लो जो एक दो दिन में क्लोज हुए हैं, आराम से 8,000-9,000-10,000 करोड़ तो डल ही जाता है। तो 8,000-9,000 करोड़ रुपए कम से कम डलना चाहिए, यानी कि 200-250 गुना सब्सक्राइब तो एटलीस्ट हो ही जाना चाहिए, खासकर ऐसे रिस्की मार्केट में, ठीक है। तो अगर जो इतना सब्सक्रिप्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे लगता है कि अवॉइड करना थोड़ा सा बेहतर रहने वाला है, क्योंकि भाई मान लो लग गया, ठीक है, और कहीं मार्केट क्रैश होता है, मार्केट फेवर में नहीं रहता है तो दिक्कत रहने वाली है, ठीक है। तो मार्केट को देखते हुए जब तक सब्सक्रिप्शन डेटा ना मिले भाई, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि रुक के सोच समझ के अपने कैपिटल के बारे में सोच के ही अप्लाई करना ज्यादा सेफ रहने वाला है। फिलहाल यहाँ पे अगर जो रिस्क कोई थोड़ा बहुत ले या फिर इसको होल्ड करने की क्षमता रखता है तो वो जा सकता है इस आईपीओ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की आपको हर एक इंपॉर्टेंट डेटा समझाने की, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब क्या है डिसीजन, क्या करने वाले हो आप कमेंट करके बताना जरूर। अब गाइस इसके जीएमपी की बात कर लें तो जो जीएमपी वो हमें 75-80 रुपीस के आसपास निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से अराउंड 96,000 अगेन होता है पर लॉट पे, और परसेंटेज वाइज देखें तो अप्रॉक्स 72-73% अगेन होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है जीएमपी ठीक है, ओवरऑल सिनेरियो ठीक है, बस मार्केट के सेंटीमेंट्स को देख के थोड़ा सा सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या आपका डिसीजन बताना जरूर, मिलते हैं अगली वीडियो में, करते वीडियो का इन, थैंक यू वॉचिंग गाइस, प्लीज टेल दिस टू एवरीबॉडी एंड बाय बाय फॉर नाउ।